हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं श्वेता। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहां पे मैं बनाने जा रही हूं आम की कलौंजी, मतलब जो गलका होता है ना, वो वर्मा जी आम लेकर के आए थे, कच्चा आम, तो उसी के लिए मैं यहां पे थोड़ा सा देसी घी ली हूं, कलौंजी डाली है एंड थोड़ा सा हींग डाला है। आम कटा हुआ है, अब इसको मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे, लाल मिर्च डालेंगे और ढेर सारा गुड़ डालेंगे। आपको जितना मीठा रखना है हिसाब से आप क्वांटिटी रख सकते हैं। तो ये देखिए, थोड़ी सी लाल मिर्ची डाल दी और उसके बाद थोड़ा सा नमक डालेंगे। मतलब तीखा, मीठा, खट्टा, इस तरह का फ्लेवर इसमें आता है एंड ये गर्मियों में बहुत ही अच्छा लगता है, रिफ़्रेशिंग एकदम। और कच्चा आम है, पहला ही सीज़न का पहला कच्चा आम आया है। इसकी चटनी भी बनाऊंगी मैं पुदीना डाल करके, वो भी काफ़ी अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैंने गुड़ को भी तोड़ लिया है, अब इसको रख देंगे, थोड़ा सा पानी डाल करके ढक करके पका लूँगी। जब ये आम गल जाएगा ना, उसके बाद यहाँ हमारी आम की कलौंजी जो है वो तैयार हो जाएगी। मेरे यहाँ पे इसको गलका बोला जाता है मेरे मायके में। आप लोग के यहाँ इसको क्या बोलते हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो कलौंजी तो बन रही है, चढ़ी हुई है, और फिर मैंने गैस ना थोड़ी देर बाद बंद कर दी थी। और अभी मैं फिर से आई हूँ वापस किचन में, यहाँ पे थोड़ा सा फ्रूट सैलड बनाने के लिए। एक्चुअली आजकल हम लोगों ने अपने डाइट में थोड़ा चेंजेस करे हैं, सैलड ज़्यादा खा रहे हैं, फ्रूट्स ज़्यादा खा रहे हैं, क्योंकि अब गर्मी भी होने लगी है ना, तो रोटी चपाती थोड़ा कम कर रहे हैं और सैलड फ़ायदा भी करता है इसीलिए। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है ना, मैंने चने को उबाल करके रख लिया है, मूँग को उबाल करके रख लिया है, वो सब चीज़ें 2-3 दिन से हमारी चल रही हैं, पर शेयर आज ही कर रही हूँ आपके साथ। तो इसमें कुछ फ्रूट्स डालूंगी, कुछ वेजिटेबल्स डालूंगी कट करके, थोड़ा सा पनीर डालूंगी एंड ऑरिगेनो डाल के, थोड़ा सा चाट मसाला डाल के, इस तरह से हम लोग नींबू डाल करके सैलड भी खाते हैं। तो ये देखिए, मैं आपके साथ इसको यहाँ पे जो ये है वो शेयर कर रही हूँ। तो इसमें मैंने थोड़ा से अंगूर डाले हैं, पेयर डाला है, एप्पल डाला है, चना, मूंग, गाजर, खीरा और आप प्याज टमाटर सब कुछ डाल सकते हैं। और ये बहुत ही हेल्दी है क्योंकि इसमें फ़ाइबर कंटेंट जो है वो बहुत ज़्यादा है। सो इस तरह से आप लोग भी बना करके खा सकते हैं। थोड़ा सा पीहू को भी दूँगी, वैसे उसको पसंद नहीं है इस तरह से खाना, वो फ्रूट्स को कट करके आप दे दो, वो आराम से खा लेती है, बट इतना चॉप करके पता नहीं कैसे वो रिएक्ट करेगी, बट मैं दूँगी उसको थोड़ा खाने के लिए। और ईरा जो है वो भी बाहर खेल रही है पीहू के साथ। मैं बाहर गई थी, बाहर ना मेरी एक अलमारी है जहाँ पे कि क्रॉकरी रखी होती है, तो वहाँ मैं गई थी निकाल के क्रॉकरी लेके आने के लिए कलौंजी रखने को। सो अब मैं इसको भरूँगी ना, ये ठंडा हो गया है हमारा जो कलौंजी है, थोड़ा सा गाढ़ा हो गया, अगर हम इसमें मैं इसमें थोड़ा पानी और डालती ना तो और रस इसमें रहता है तो और अच्छा लगता है। मम्मी जब मेरी बनाती हैं तो थोड़ा सा उसको मतलब खाने में अच्छा लगता है, रस जो उसका होता है ना, मीठा मीठा सा। सो वही है मेरा, इसमें थोड़ा पानी कम हो गया, नेक्स्ट टाइम जब बनाऊंगी मैं तो मैं डालूंगी पानी। अच्छा, लास्ट में मैंने ना इसमें सौंफ भी डाला था जब बन गया था ना, तो मेरे पास सौंफ रखा था, मैंने थोड़ा सा सौंफ भी इसमें डाला था, उसका भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। हमारी आम की चटनी जो है वो बन के तैयार हो गई है, अभी इसको हम खुला रखेंगे। ओके गाइस, तो जाने से पहले मैंने यहाँ पे अपना हेयर वॉश किया था, तो मैं यहाँ पे अपने बालों को स्ट्रेट कम ड्राई कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे अगारो का हेयर वॉल्यूमिनाइज़र लिया है जिससे मैं अपने गीले सूखे बालों को स्ट्रेट करती हूँ, साथ ही साथ मैं अपने बालों को सुखाती भी हूँ। ये बहुत अच्छा हेयर वॉल्यूमिनाइज़र है, आपके बालों को एक वॉल्यूम भी देता है, अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो मैं लिंक दे दूँगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेकआउट करना मत भूलिएगा। काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, मेरा तो फेवरेट है और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। पीहू क्या कर रही है? पीहू देख रही हूँ उसमें कि क्या क्या है। क्या इस पाउच में? हाँ। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, ओके। आज पीहू ने ड्रेस पहनी है? हाँ, क्योंकि मेरा आज बर्थडे है। बर्थडे है? ये ड्रेस किसने दिया था आपको पता है? हाँ। मामी ने भेजा था आपके लिए US से, है ना, मामा जी लेके आए थे आपके लिए। हाँ। ओके, ईरा कहाँ है, क्या कर रही है ईरा? ओ क्या कर रही है ईरू? नहीं 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 नहीं, डैडी के साथ काम कर रही है ईरा? नहीं 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 नहीं, आती हूँ आती हूँ आती हूँ आती हूँ। तो हम लोगों का लंच हो चुका है, ईरा सो के उठ गई है, मैं उसके लिए यहाँ पे बना रही हूँ रागी का
पॉरिज बोल सकते हैं, हलवा बोल सकते हैं, जो भी आप बोलना चाहें वो बोल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने रागी भून ली है, दूध और पानी को मैंने यहाँ पे मिक्स किया है और उसको ही मैं यहाँ पे डालूँगी इस तरह से। मुझे लग रहा है ज़्यादा हो गया है। अच्छा, तो मुझे एक कमेंट भी आया था कि आप अपनी बेटी को रागी का हलवा बना करके दीजिए, तो देखिए मैंने आज आपकी बात जो है वो मान ली है, सुन लिया है। ईरा की आपको आवाज़ आ ही रही होगी, वो बाहर बैठी हुई है और भूख के लिए रो रही है या कुछ तो है जो उसको अच्छा नहीं लग रहा होगा। बस मैं फटाफट से यहाँ पे बना करके लेके जाऊँगी, ईरा को भी दूँगी और उसकी दीदी को भी दूँगी, दोनों बहनें आराम से इसको खाएंगी। और यहाँ पे देखिए दोनों बहनें खेल रही हैं। वेलकम बैक गाइस, शाम हो गई है, दुकान की लाइट जला देते हैं, मैं 6 बजे के आसपास लाइट। तो पता नहीं क्या हो गया, अचानक से यहाँ पे आवाज़ नहीं आ रही थी, इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। मैं यहाँ पे भगवान की लाइट जो है वो जला रही हूँ, और जो मैंने खीर बनाई थी ना वो थोड़ी सी बच गई है, हम सब लोग ने खा लिया है, काफ़ी टेस्टी खीर बनी हुई थी। तो मैं वही आपको बता रही थी कि यहाँ पर ना जो खीर का बचा हुआ वो था, थोड़ी सी खीर, वो मैं निकाल करके एक कटोरी में रख दूँगी और ये भगवाना जो है इसको रख दूँगी वॉश होने के लिए। बट पता नहीं कैसे आवाज़ नहीं आ रही थी, मुझे खुद भी नहीं समझ में आ रहा, और एडिटिंग के टाइम मैं देख रही हूँ कि इसमें आवाज़ ही नहीं है। तो यहाँ पे देखिए मैं खीर जो है वो पूरा मतलब अच्छे से गाढ़ी हो गई थी, बढ़िया से पक गई थी, तो बहुत टेस्टी रबड़ी जैसा टेस्ट लग रहा था। अभी मैं आपको दिखाऊँगी कि कैसी खीर जो है वो बनी हुई है। तो चलो अभी मैं इसको निकाल लेती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इतनी सी खीर बची है, एकदम गाढ़ी सी मावे की मतलब ड्राई फ्रूट की खीर है ये। अच्छा, मैं ना चेंज इसलिए क्यों रेडी इसलिए हुई हूँ, मैं एक दो वीडियो शूट कर रही थी, मुझे थोड़ा सा काम था तो वो मैं कर रही थी, ईरा जब सो रही थी तब। आज सारे बर्तन पीहू ने लगाए हैं, सिर्फ ये कांच की वाले क्रॉकरी जो टिफिन है ये छोड़ दिए उसने बोला, फिर मैंने कहा ठीक है, बोल रही थी मम्मा मुझसे गिर जाता इसीलिए। और फिर उसके बाद हम लोग बाहर आ गए थे ऐसे ही, वर्मा जी बोले चलो चलते हैं गोलगप्पे खाने के लिए, तो बस हम लोग ऐसे ही आ गए थे। मैंने यहाँ पे 3 पानी वो क्या बोलते हैं, कौन सी पूड़ी, ये जो पूड़ी होती है ना मतलब विदाउट पानी वाली, वो खाया था, और पीहू ने तो ऐसे ही सादा खाया था गोलगप्पे वाला। बस फिर हम लोग यहाँ से निकल कर वापस घर आ रहे थे, तो पीहू ने बोला मुझे पेड़ा खाना है, तो हम लोग गए एक स्वीट शॉप पर और फिर यहाँ से हम लोगों ने कुछ स्वीट्स खरीदी। यहाँ मैं आपको थोड़ा सा दिखा रही थी, काफ़ी अच्छे अच्छे यहाँ पे स्वीट्स जो हैं मिलते हैं, हम लोग हम अपने घर की स्वीट्स इन्हीं की शॉप से लेते हैं। इन्हें यहाँ पे क्या लिया है, रसगुल्ले रखवा रहे हैं ये चलते चलते। पीहू आ जाओ, हम लोग वापस आ गए हैं। हाँ हीरो, गेट खोलो बेटा। तो अभी हीरा खेल रही है दीदी के साथ, और मैंने पानी लगाया था घड़े में भर गया, फटाफट से मैं दाल को फ्राई कर लेती हूँ।